नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। दोस्तों, सहायक अध्यापक यानी कि प्राथमिक शिक्षक हैं उनके लिए खुशखबरी आ रही है। प्राथमिक शिक्षकों की प्रथम क्रमोन्नति सूची जारी हो चुकी है और उनको इस दिनांक से जो है इसका लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के सभी शिक्षक इसलिए देखें क्योंकि आपके जिले में आपके जिला शिक्षा अधिकारी ने इस प्रकार की सूची जारी की है। नहीं की है तो नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि अलग से कोई नया आदेश नहीं आने वाला। ये पुराने आदेशों का हवाला देकर कि इस जिले के जिला शिक्षा अधिकारी ने जो है ये सूची जारी की है। आइए देख लेते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला राजगढ़ व्यावरा मध्य प्रदेश से 24 अगस्त को यह आदेश निकला है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत बल्ला भवन भोपाल के ज्ञापन क्रमांक पत्र क्रमांक देहरा का दिनांक 22 जुलाई 2010 एवं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग सभी का हवाला दे रखा है। दोस्तों, नीचे लिखा है कि पदोन्नति समिति द्वारा योग्य पाए जाने वाले जिला अंतर्गत पदस्थ प्राथमिक शिक्षक को एक ही पद पर निरंतर 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप प्रथम क्रमोन्नति वेतनमान 1300 से 34,800 प्लस 3200 उनके नाम के समक्ष अंकित दिनांक से प्रदान किया जाता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय बल्ला भवन भोपाल मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 11 सितंबर 2008 अनुसार मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय बल्ला भवन भोपाल के आदेश क्रमांक आप देख पा रहे हैं दिनांक 22-21 फरवरी 2013 के अनुसार अध्यापक संवर्ग में शिक्षा कर्मियों के संविलियन पश्चात शिक्षा कर्मी के रूप में उनके द्वारा की गई सेवा की गणना क्रमोन्नति हेतु मान्य की गई है। इसी प्रकार संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 के पद से अध्यापक संवर्ग में नियुक्त सहायक अध्यापक की संविदा शाला शिक्षा सेवा की गणना क्रमोन्नति हेतु मान्य की गई है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय बल्ला भवन भोपाल के आदेश क्रमांक आप देख पा रहे हैं दिनांक 27/7/2019 के पालन में निम्नानुसार प्राथमिक शिक्षकों को प्रथम क्रमोन्नति प्रदान की जा रही है। इसमें जो है इन सभी को 12 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर क्रमोन्नति दिनांक जो है जो 12 वर्ष हो गया, जैसे 4/11/2019 किसी को, 19/12/2019 इस प्रकार से। तो दोस्तों, आप यह लिस्ट देख पा रहे हैं यहाँ, चूंकि हम नाम नहीं बताएंगे सिक्योरिटी रीजन के कारण। तो दोस्तों, आप ये लिस्ट देख पा रहे हैं, ये 51 सहायक शिक्षकों की पदोन्नति सूची लिस्ट है। आप देखें नीचे क्या लिखा है, चलिए हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, यह नीचे जो है प्रतिलिपि दिया हुआ है, यानी कि इस दिनांक से इनको क्रमोन्नति स्वीकृत की जाती है। तो दोस्तों, भोपाल से कोई नया आदेश नहीं आया, जो पुराना आदेश है उन्हीं का संदर्भ का हवाला देकर के इस प्रकार से क्रमोन्नति की सूची जारी कर दी गई है और उनकी क्रमोन्नति स्वीकृत की जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में इस प्रकार की सूची जारी नहीं की जा रही है। DEO जो है वो बिल्कुल इस काम में रुचि नहीं ले रहे हैं, और जहाँ रुचि ले रहे हैं तो माँ बाबू जो है सूची तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस पर अपने विचार लिखें और आप किस जिले से हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि ऐसे जिलों को हम एक्सपोज कर सकें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।